कोरोना महामारी की इस मुश्किल घड़ी में जहां सभी लोग परेशान हैं, वहीं हैदराबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपनी मनमानी कर रहे हैं। कोरोना पीड़ित मरीजों का हॉस्पिटल्स में मनमाना बिल बनाया जा रहा है, एक पीड़ित व्यक्ति अपनी आप बीती बताते हुए। मैं मनोज कोठारी निम्बोली अड्डा काचीगुड़ा का रहने वाला हूँ। मेरे को कोरोना 17 तारीख को मालूम पड़ा। मैं विजया डायग्नोस्टिक में टेस्ट कराया। मैं 20 तारीख के दिन यशोदा सोमाजी गुड़ा में एडमिट हुआ। मेरा कैशलेस इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के ऊपर मेरे को एडमिट किया गया, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से। मुझे 29 तारीख के दिन इंश्योरेंस कंपनी से लेटर आया कि आप 33,942 पैसे भरिए और आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुईए। लेकिन हॉस्पिटल को जब मैं बोला मुझे पैसे भर के आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन वो लोग 3 लाख रुपए और पैसे भरिए, 4,20,000 का बिल है आपका, आप नहीं जा सकते। जबकि इंश्योरेंस वाले एज पर तेलंगाना गवर्नमेंट के जियो के हिसाब से आप इतने ही पैसे भरना है, उससे ज़्यादा पैसे आप नहीं भरना है, उससे ज़्यादा आप भर के नहीं निकालना। वो लोग क्लियर लेटर दिए हैं, उसके बावजूद मेरे को यशोदा वाले मंडे से ना मेरे को किसी से बात करने दे रहे, ना मेरे को कोई बाहर आने दे रहे, मेरे को टॉर्चर कर दिए, मेरे को हॉस्पिटल में बिठा दिए और मंडे से मेरे को कोई दवाई नहीं दे रहे। अगर मैं वापस कोरोना पॉजिटिव हो जाता, मेरी लाइफ को क्या भी कुछ हो जाता, तो कौन जिम्मेदार? और मेरे भाई साहब अनिल कोठारी भी यहीं एडमिट है, मेरे मदर संपत भाई कोठारी भी यहीं एडमिट है, जिनका बिल अभी आना बाकी है, उनका डिस्चार्ज अभी हुआ नहीं, उनमें भी ये सेम इंश्योरेंस है, सेम प्रॉब्लम मुझे आएगा, सेम प्रॉब्लम। तो मैं सीएम केसीआर साहब से और केटीआर साहब से और हेल्थ मिनिस्टर इटला राजेंद्र साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस बारे में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की जो नाइंसाफी हो रही है, जो इलीगैलिटीज हो रही हैं, जो टॉर्चरिंग हो रही है एज पर गवर्नमेंट के ऑर्डर के बावजूद भी वो लोग नहीं मान रहे, उसके ऊपर आप एक्शन लीजिए। और मैं MBT के स्पोक्समैन अहमदुल्ला साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप इस मैटर में थोड़ा देखिए और मेरे को हेल्प करिए और इस हॉस्पिटल से मेरे को निकालिए, नहीं तो मुझे मेरी जान का खतरा है। इसका जिम्मेदार यशोदा हॉस्पिटल ही रहेगा। कल मुझे कुछ होता है, या मेरे भाई को होता है, या मेरे मदर को होता है, तो ये हॉस्पिटल ही जिम्मेदार रहेगा।